हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं संविधान से संबंधित, उसकी वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए, अगर आपने इस वीडियो से जितने भी मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ अगर आपने याद कर लीजिए, तो आप अपनी ही नजर में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। जितने अनुच्छेद मैं लेकर के आया हूं, इतने आपको कम से कम हर हालत में याद होना चाहिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशन से एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाते हैं, और आर्टिकल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी लोग समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। तो देखो, भाग एक जो कि एक से चार तक है, भाग एक यानी कि अनुच्छेद फर्स्ट में आपका राज्यों का संघ, आर्टिकल फर्स्ट में क्या है कि भारत जो है वो एक राज्यों का संघ होगा। ऑप्शंस में आपको मिल सकते हैं कि अनुच्छेद एक के अनुसार भारत राज्यों का क्या है, संघ है, समूह है, ग्रुप है, इस तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा, संघ। तो भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद दो के अनुसार राज्य निर्माण और स्थापना, यही अनुच्छेद तीन में है। दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। किसी ऐसा क्षेत्र जो दूसरे देश के कब्जे में है, भारत के अंडर उसको लिया जाता है, तो वो अनुच्छेद दो के तहत लिया जाता है। लेकिन अनुच्छेद तीन के तहत जो भारत में पहले से ही स्थित है, किसी राज्यों के क्षेत्र की सीमा में निर्माण करना, उसका नाम बदलना किसी राज्य का, और क्षेत्र सीमा का निर्माण करना, ये अनुच्छेद तीन के अंतर्गत आता है। तो समझ गए दो और तीन के अंतर्गत क्या है। अब हम भाग दो की तरफ चलेंगे। भाग दो में आपको नागरिकता बताया गया है। क्या भाग दो में है? नागरिकता, जो कि अनुच्छेद पांच से ग्यारह के बीच है। नागरिकता से मोस्टली आपके पांच छह सात आठ करके क्वेश्चंस नहीं पूछता है एग्जामिनर, वो यही पूछता है मोस्टली कि नागरिकता किस भाग में है, तो भाग दो में, और कौन कौन से अनुच्छेद में है, या कहां से कहां तक है, भाग पांच से ग्यारह तक। अब है आपका भाग तीन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग तीन में है आपके मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 के बीच है। अगर आप चाहोगे तो मैं मौलिक अधिकार की एक पर्टिकुलर वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16 यहां से लेके 35 तक में क्या क्या है, वो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। लेकिन आपकी डिमांड के अनुसार कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको बना दूंगा वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो आप ये याद कर लीजिए, मौलिक अधिकार जो है भारत कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, और ये भाग 12 से 35 के बीच है। भाग चार में आपके नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, और ये कहां से कहां तक है, ये है 36 से 51। भाग 4A, इसको भी याद कर लो, क्योंकि ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51A में है, इसको बाद में जोड़ा गया, इसलिए ये भाग 4A है। समझ रहे, जितने भी अब अनुच्छेद जोड़े जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसी तरीके से आ जाते हैं, 51A, 102(3), 102(4), इस तरीके से जोड़े जाते हैं, तो आपके अनुच्छेद बढ़ जाते हैं संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है, तो 51A जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। कब? 1976। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने नीचे लिख भी दिया ताकि आपको याद हो जाए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, वो भी सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अच्छा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां पर ऐड हो जाए, PDF बिल्कुल फ्री में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब ये सारे आपके अनुच्छेद हो गए। अब राष्ट्रपति के बारे में आपको सारे अनुच्छेद जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो बहुत गलत बात है। वीडियो देख लो राष्ट्रपति से संबंधित जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, जिसमें सारे अनुच्छेद को मैंने कवर किया हुआ है। राष्ट्रपति पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अनुच्छेद एक में राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद दो में राज्य का निर्माण और स्थापना, कहां से, किसी दूसरे देश से। अनुच्छेद तीन में नाम, क्षेत्र और निर्माण, वो भी अपने ही राज्य में। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है आपकी नागरिकता, और मौलिक अधिकार है 12 से 35 के बीच, और 35 जैसे ही खत्म हो जाता है 36 चालू हो जाता है, 36 से 51 के बीच है आपके नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक कर्तव्य आपके 51A में है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे। राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है। पद, राष्ट्रपति के पद का जो है
जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है, अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य है। इन सब के बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, विधियां शक्ति है, जितनी भी शक्तियां होती हैं सबके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो एक उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन और अनुच्छेद 61 में महाभियोग। महाभियोग होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, मैंने आपको समझाया हुआ है उस वाली वीडियो में, तो जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पर अनुच्छेद 61 एक बार फिर से आ गया, तो वही है आपका महाभियोग। अनुच्छेद 72, 72 को कैसे लिखते, 7 और 2, 7-2। कोई भी अपराधी होगा तो वो राष्ट्रपति से कहेगा, राष्ट्रपति साहब हमारा 7-2, 7-2 यानी कि हमको बचा लो। तो क्षमादान, क्षमादान किस में है, 72 में, 7-2 में। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय जो है वो लोकसभा का क्या कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश। जैसे कि अध्यादेश क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हमारे यहाँ अगर आपको कोई कानून बनाना है तो संसद के जो तीन, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से पास हो, यहाँ से ये पूरी प्रक्रिया के तहत कोई भी कानून जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन संसद का अधिवेशन या सॉरी संसद का सत्र जो है वो ना चल रहा हो, संसद की बैठक ना चल रही हो, तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश निकालकर साइन मात्र से, अपने साइन मात्र से ही क्या कर सकता है, कानून को बना सकता है, अगर उसको ये जरूरत फील होती है कि देश में इस कानून की जरूरत है, तो अध्यादेश इसको कहते हैं। अनुच्छेद 143 में क्या है, अनुच्छेद 143 में एससी की सलाह। राष्ट्रपति किसी ऐसे मुद्दे पर फंस जाते हैं जो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, या किसी कानूनी सहायता लेने के लिए, तो वो किसकी सलाह लेते हैं, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी सलाह देगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको माने, मान भी सकते हैं अथवा नहीं भी मान सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अनुच्छेद 143 के तहत वे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगला है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में मोस्टली आपको दो ही पद, दो ही अनुच्छेद याद रखना है। देखो राष्ट्रपति के लिए मैंने आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, शक्ति कार्य 53, निर्वाचन 54 में, 61 में महाभियोग, 7-2 यानी कि अनुच्छेद 72 में आपका क्षमादान, अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश, अनुच्छेद 143 कोर्ट की सलाह किसमें, अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के लिए मोस्टली आपको दो ही अनुच्छेद याद करने हैं, कौन कौन से, अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति के बारे में भी वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 63 में है आपका पद उपराष्ट्रपति का, और अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो एक्चुअल में होते हैं उनको जो पेमेंट मिलती है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलती है, उनको जो पेमेंट मिलती है राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने के लिए उनको पेमेंट मिलती है। ये और बता देना कि उपराष्ट्रपति की पेमेंट जो है वो कितनी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे कौन, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यह नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद है, और इस मंत्री परिषद के जो हेड होंगे वो होंगे अनुच्छेद 75 यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है। हालांकि ये मंत्री परिषद जो है जो राष्ट्रपति के लिए होती है, लेकिन इस मंत्री परिषद के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। संसद, संसद के लिए जो आपका अनुच्छेद है वो है आपका 79, और संसद के बाद जो उच्च सदन होगा वो पहले आएगा यानी कि राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए अनुच्छेद है आपका 80। इन तीनों अनुच्छेद को आपको एक साथ याद करना है। उसके बाद लोकसभा निम्न सदन होता है इसलिए बाद में आएगा, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, ठीक है। तो 79 में क्या है, संसद, 80 में क्या है, राज्यसभा, और 81 में क्या है, लोकसभा। तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन तीन अनुच्छेद को हमने याद करा एक साथ। अब अनुच्छेद 100, 100 को क्या करो, दो भागों में बांट दो, 50 और 50, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है संसद में कि निर्णायक मत देने की कंडीशन आ जाए, यानी कि 100 में से 50-50 जो है वोट दे दिया है, तो इस अनुच्छेद 100 के तहत ही अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष महोदय, वो निर्णायक मत देंगे, कौन क्या देंगे, निर्णायक मत। तो अनुच्छेद 100 भी आपको याद हो गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, 100 को 50-50 में बांट दो, दो भागों में, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि बराबर इसकी स्थिति हो, 50-50 बराबर में है,
तो बराबर की स्थिति में अध्यक्ष महोदय क्या देंगे, निर्णायक मत देंगे, जो कि अनुच्छेद 100 के तहत। और अनुच्छेद 100 जो है वो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, तो ये अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 108 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि कोई बिल बिल जो है वो बहुत देर से या बहुत दिनों से फंसा हुआ है, तो राष्ट्रपति महोदय जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का जो काम है वो अनुच्छेद 108 के तहत है, लेकिन बुलाना काम है राष्ट्रपति का, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। जब संयुक्त अधिवेशन आपका लग गया तो अनुच्छेद 110 आ गया। अनुच्छेद 110 में होगा आपका धन विधेयक। अच्छा, आपके पास 110 में धन आ गया, बहुत सारा धन, तो आपको जब आपके पास धन आ गया तो आपको धन बांटना पड़ेगा, तो किस किस क्षेत्र में कितना धन खर्च होगा ये बजट का प्रावधान है, और ये अनुच्छेद 112 के तहत है। तो इन दोनों अनुच्छेद को आपको बिल्कुल एक साथ याद करना है। क्या? अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक, और धन जब हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, बांटेंगे, यानी कि बजट लाएंगे। तो बजट अनुच्छेद 112 में है। लेख अनुदान अनुच्छेद 116 में है। लेख अनुदान में आपको बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है, कुछ ऐसे काम जो कि बजट के बाहर से होते हैं, यानी कि जो बजट में नहीं दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ बिल ला करके उन्हें लेख अनुदान के तहत अनुच्छेद 116 के तहत संसद में बता दिया जाता है, तो उसको लेख अनुदान कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 117 जो कि वित्त विधेयक है। क्या है? वित्त विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। अभी हाल ही मैंने आपको पढ़ाया तो आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, तो ये अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 131 में क्या है, किसके कुछ मूल अधिकार होंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के, और ये सारे अधिकारों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में, देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, आपको समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कुछ ऐसा कानून जो संसद के द्वारा पास हो गया है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये जो कानून है वो संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान की समीक्षा के समान नहीं है, या संविधान के अनुरूप नहीं है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय होगा उस पर दोबारा विचार बना करके उस कानून को खत्म भी कर सकता है, या उसमें कुछ अपना एडिट एडिट भी कर सकता है उस कानून में। अनुच्छेद 143, 143 के तहत है आपका क्या, वही जो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जो है वो सलाह मांग सकता है। क्या मांग सकता है? सलाह। कौन? राष्ट्रपति। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट दो अनुच्छेद हैं आपके महान्यायवादी, यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी कौन होता है? विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी होता है, जो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 76 के तहत होता है, और अनुच्छेद 148 के तहत क्या होता है, CAG यानी कि कैड, और कैग का फुल फॉर्म भी आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 के तहत होता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे अनुच्छेद जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। सारे अनुच्छेद जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना। इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।